सो गाइस लुक एट दिस, इट्स सो हार्ड. मैं इसको ऐसे निकालने की कोशिश भी करूँ, हाँ, नॉट एट ऑल, इट डज नॉट मूव और डज नॉट चिप्स आउट और डज नॉट कम आउट व्हाटसोएवर. इट्स सो, इट स्टेज सो कंटैक्ट. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, प्लीज़ डू नॉट बी जजमेंटल ऑन माई नो मेकअप लुक टुडे. ना मैं कोई मेकअप करने वाली हूँ, बिकॉज आज का वीडियो इज टोटली डिफरेंट. टुडेज वीडियो इज अबाउट फेक नेल्स ट्यूटोरियल्स एंड हाउ आई वेयर देम एट होम. सो विदाउट मच टॉकिंग, जस्ट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं ये फेक नेल्स घर पे कैसे लगाती हूँ. बट लगाने से पहले मैं बता दूँ, मैंने ये घर पे लगाना क्यों स्टार्ट किया है. द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप कोई सलोन में जाते हो टू गेट योर एक्रेलिक नेल्स डन, तो गाइस लिटरली 3000 से ऊपर ही लेते हैं. एंड अगर उसमें आप कोई और फैंसी चीज़ डलवाते हो तो भाई उसका तो रेट इट जस्ट शूट्स, बिकॉज ये नेल्स मैंने बस 200 रुपये में खरीदे थे. सो दैट इज़ वाई I didn't want to spend so much of money on fake nails. I mean extensions. And also the second thing is that मेरे में इतनी patience नहीं है कि मैं salon में 2 घंटे बैठ के अपना nails कराओ and every 15 days मैं जाके refill कराओ. और refill में भी पैसे लगते हैं बॉस. And also ये करने में बस 10 से 15 मिनट लगता है guys. So also time भी waste नहीं हो रहा है. And ऑल्सो अगर ये नेल्स ना टूटे तो आप इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हो. सो सी, इट्स ऑल इन अ बजट. सो दैट्स वाई मैंने ये तरीका निकाला है कि घर पे आप ऐसे फेक नेल्स कैसे लगा सकते हो विच टोटली लास्ट फॉर 2 वीक. सो पहले तो हमें नेल्स चाहिए होगी. मेरे पास अभी 2 है. सो फॉर नाउ आई विल बी यूजिंग दिस वाइट नेल्स. वाइट नेल्स इसलिए बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू चेंज द कलर वेन एवर आई वॉन्ट. दैट्स वाई आई विल बी यूजिंग दिस वाइट नेल. एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू विल बी नीडिंग इज द ग्लू. ग्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कोई ऐसी वैसी ग्लू नहीं है. दिस इज मेंट फॉर नेल्स ओनली. नेल्स चिपकाने के लिए होता है ये. एंड ये मैंने अमेजोन से लिया था. इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन चेक from there. So this is my hand. I know they look really funny. Actually they are funny and they don't look good right now, but isko pehle groom karna padta hai before applying nails, like cutting the nails, cleaning them and making it of proper size. So abhi main pehle wahi karungi. To aap bhi jab fake nails lagaoge pehle aap ye karna. So first I'll take my nail cutter and then main apne sare nails ko kaatungi acche se. So here my nails are all cut now. Next थोड़ा सा फाइलिंग कर लेते हैं ताकि nails के सरफेस स्मूथ रहे. मतलब before applying these fake nails बहुत ज़रूरी है कि आप अपने size के nails पहले नाप के निकाल लो. तो मैं अभी पहले 5 निकाल लेती हूँ and then I'll just see कि कौन सा मेरे nails पे fit लगता है. yeah, this is fine. तो आपके नेल्स में जो भी नेल्स फिट हो रहे होंगे या प्रॉपर दिख रहे होंगे, आपको वही नेल्स सेलेक्ट करना है. ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा लोगे तो फिर वो बहुत बेकार सा लगेगा. तो इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट और एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि नेल्स वही लेना जिसमें बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ साइज़ हो. तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सेलेक्ट योर साइज़. सो दैट्स वाई मैंने ये 24 पीसेस वाला ही डिब्बा लिया था. सो ये मैंने सारे नेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं. And then now just let's start the process. So first I'll be applying this glue. ऐसे लगा के थोड़ी देर आपको ऐसे प्रेस भी करना होता है इसको ताकि ये टोटली चिपक जाए. Thank you.
then quickly I'll move to my other fingers and same process से मैं nails लगाऊंगी. एंड ये नहीं है कि आप सारे हाथों में ग्लू लगा के छोड़ दे, ऐसा नहीं होता. आपको क्या करना पड़ेगा इस एक फिंगर में ग्लू लगा के फिर आपको वहीं पे नेल्स चिपकाना पड़ेगा फॉर यू नो फ्यू सेकंड्स, जब तक वो चिपक ना जाए. जैसे हम फेविकॉल लगाते हैं ना चीज़ों पे, वैसे ही आपको करना है. सो गाइस, हमारा ये फर्स्ट हैंड में लग गया है एंड देन आई विल मूव टू माय नेक्स्ट हैंड. अगर आप अपने हाथों से नहीं लगा पाओगे तो यू कैन ऑलवेज गेट हेल्प फ्रॉम योर रिलेटिव्स, और घर पे कोई भी हो, मम्मी हो या बहन हो या भाई हो या हस्बैंड हो. दैट विल बी मोर ईजियर टू अप्लाई दूसरे हाथ में, बिकॉज एक हाथ में लगाने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे हाथ में लगाने के लिए, बिकॉज नेल्स अब लंबे हो गए हैं और हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं यू नो टू पिकअप थिंग्स एंड देन टू अप्लाई. सो यू कैन ऑलवेज गेट हेल्प फ्रॉम एनी वन. सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये नेल्स लगा लिए हैं एंड लिटरली ये फेक नहीं लग रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इन दिस ये लगाने में. बट हाँ, अब लगाने के बाद इसको आपको थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट देना पड़ेगा ताकि ये टोटल ड्राई हो. ये वाले हाथ के मेरे ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं एंड देन जस्ट लेट मी शो यू कि आप अगर कोई भी प्रेशर लगा रहे हो, देखो मैं इतना प्रेशर लगा रही हूँ, लाइक आई एम मूविंग ये नेल्स विद माई थम. ठीक है, देखो नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा है, लाइक यू कैन सी. यस गाइज, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट अगर आप नेल एक्सटेंशन लवर हो. मैं तो डेफिनेटली इसी के लिए वाउच करूँ. जब भी मुझे नेल्स की ज़रूरत होगी, एक्सटेंशन नेल्स की ज़रूरत होगी, मैं डेफिनेटली ये लगाऊंगी, बिकॉज इसमें कोई डिफरेंस लग ही नहीं रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से. एंड गाइज, लेट मी टेल यू, दिस स्टेज फॉर टू वीक्स, टू फ्रीकिंग वीक्स, दैट इज़ सो मच. बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पानी के साथ प्लीज़ हाथ को कंटैक्ट आने मत दीजिए. लाइक यू कैन गेट इट डन थोड़ा बहुत नहाते वहाते, बट लाइक नॉट रेगुलर कंटैक्ट विद वाटर. लाइक दीज नेल्स शुड नॉट बी इन रेगुलर कंटैक्ट विद वाटर एंड देन यू आर बेस्ट टू गो. ऑल्सो मैं बता दूँ, ये जो नेल्स है इज जस्ट फॉर 200 रुपी, बट मैंने ये शीन से लिए हुए थे एंड अभी तो शीन बैन हो गया है. तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 नेल्स के लिंक्स दे दूंगी जो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से होंगे, इसी से मिलता जुलता, बिकॉज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ऐसे नेल्स बहुत सारे मिलते हैं. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एंड लिटरली इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, बेटर देन गोइंग टू द सलून एंड गेटिंग इट डन बाय स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी. आप 200-400 रुपए में खरीद के 10-15 मिनट बस अपना टाइम लगा के आप ये घर पे लगा सकते हो. आई एम लर्निंग दिस, I'm loving these nails and I also guess you loved the video today. Guys, अगर आपको ये video अच्छी लगी तो please मेरे channel को subscribe कीजिए. आपको बस red subscribe button पे जाके hit करना है और उसके side में जो yellow color की bell है उसमें press करना है so that जब भी मैं कोई नई video डालूँ miss ना हो और आपको notification आ जाए. And अगर ये video आपको अच्छी लगी तो please like कर देना and until we meet next time guys.